हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तुरई की सब्जी तो हम सभी ने बहुत तरीके से बनाई है और खाई है। चलिए आज बनाते हैं कीमे के साथ, तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर सोयाबीन का कीमा यूज़ किया है, आप चाहे तो मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। लिया है एक कप सोया चंक्स, इन्हें अभी धोया नहीं है। धोने के पहले ही मैंने इन्हें एक टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें सॉटे करूंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। मैंने यहाँ पर सोया चंक्स यूज़ किया है, अगर आपके पास सोया ग्रैन्यूल्स है तो आप वह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। उससे पहले आप थोड़े ऑयल में रोस्ट कर लें, फिर उसे गर्म पानी में सोक करके दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लें। यह सोया चंक अच्छी तरह से फ्राई या रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें उबलते हुए पानी में कम से कम एक घंटे के लिए सोक करके रख दूंगी। इस पानी में आप ऐड करें 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने यहाँ पर ली है फ्रेश तुराई, इसे मैं अच्छी तरह से पील करके इन्हें चंक्स में कट कर लूँगी। इसे आप जिस चाहे शेप में काट सकते हैं, मैंने इन्हें गोल गोल आकार में काटा है। हेयर कम्स टिप फॉर द डे, जब भी आप तुराई बनाएं पहले एक छोटा सा पीस काट कर चख लें, क्योंकि कभी कभी तुराई कड़वी भी निकलती है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने यहाँ राउंडल्स में कट किया है। तुराई कीमा बनाने के लिए मैंने लिए है यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च। प्याज को मैं थोड़े थिकली स्लाइस कर लूँगी और टमेटोस को या टमाटर को भी मैं थोड़े मोटे मोटे ही स्लाइस करके रख दूँगी, और हरी मिर्च को पूरी तरह से पीसेस में नहीं काटूँगी, जस्ट स्लिट करके इन्हें मैं साइड में रख लूँगी। सो गाइस, बताइए आपने कभी ऐसे तुराई में कीमा बनाकर टेस्ट किया है? आप यहाँ पर नॉर्मल मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, आज मैं यूज़ कर रही हूँ सोया कीमा। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 2 इंच अदरक का पीस और थोड़े लहसुन। इन्हें मैंने छील कर साफ़ करके बारीक पीसेस में अदरक को काट लिया है और ओखली या मोटल पेस्टल में डालकर मैं इसे दरदरा सा कूट लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं तुराई कीमा रेसिपी। यहाँ मैंने कढ़ाई में कम से कम 2 चम्मच बड़ा चम्मच भर के तेल लिया है। तेल के अच्छी तरह गर्म होने पर मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 प्याज जो हमने मोटे मोटे काट कर रखे थे। इस प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन जो हमने दरदरा कूट कर रखा था। अब जब तक हमारा प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई होता है, हम इसे लो फ्लेम पर रखकर वी विल चेक ऑन द सोया चंक्स। यह सोया चंक्स अच्छी तरह से गल कर फूल गए हैं, और अब इन्हें हम पानी में अच्छी तरह से धोकर इन्हें निचोड़कर पूरा पानी निकाल देंगे, और इन सोया चंक्स का अब मैं कीमा तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास सोया ग्रैन्यूल्स हैं तो आपको यह स्टेप नहीं करना है, आप डायरेक्ट उन्हें सॉटे करके पानी में सोक करके ग्रैन्यूल्स आपके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज जो हमने स्लिट करके रखी थी। इसे 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे, और अब हम डालेंगे हमारे पाउडर मसाला। मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, यह देगी मिर्च या शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, इसमें इससे सिर्फ कलर आएगा। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट या स्वाद अनुसार आप जो भी हैं, और 1/2 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला। पाउडर मसाले अच्छी तरह से तेल में भुन जाएं, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून या 1/4 कप पानी। पानी डालने से हमारे पाउडर मसाले जलते नहीं और अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तुराई कीमा में तीखापन लाने के लिए मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और अच्छी तरह से इस मसाले के साथ हम भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1/4 कप ताज़ी मेथी, या आपके पास अगर ना हो तो आप इस स्टेज पर कसूरी मेथी डाल सकते हैं।
एक से दो मिनट तक इस मेथी को भी हम अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे ताकि इसका जितना भी कच्चापन या कड़वाहट है वह निकल जाए। और अब ऐड करेंगे जो टमेटोज हमने स्लाइस करके रखे थे। इन टमेटोज को डालने के बाद में हम इन्हें सॉटे करके फिर हम ऐड करेंगे जो सोया का हमने कीमा बनाया है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया ग्रैन्यूल्स इसमें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे सॉटे करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तुराई जो हमने काट कर रखा हुआ है। तुराई ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक सॉटे करेंगे। ऐसा करने से तुराई का जितना भी कच्चापन है वह निकल जाएगा और जितना भी पानी है तुराई रिलीज़ कर देगी और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम गैस को स्लो करके या लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। अब देखिए तुराई भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, उसका पानी भी ख़त्म हुआ है और तेल मसाले ने अच्छी तरह से छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसे अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर। जब इस सब्ज़ी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए हम अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। जब तक हमारी करी उस तरफ तैयार हो रही है, चलिए हम तैयारी करते हैं गार्निशिंग की। उसके लिए मैंने लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स या हरा कोथमीर, जिसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है और उसे फाइनली चॉप करके तैयार करेंगे। इस सब्ज़ी को ढककर पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसका पानी भी कम हो गया है और इस सब्ज़ी ने अब तेल या कोरमा भी छोड़ दिया है। तो अब हम चेक करते हैं हमारी अगर तुराई पक गई है तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। जी हाँ, तुराई अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसे गार्निश करते हैं कोथमीर के साथ और लीजिए आपकी तुराई कीमा तैयार है। यह तुराई कीमा रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और इसे रिलिश कीजिए राइस या रोटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।